हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सदानंद देसलहरे और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये क्लास 8 और क्लास 7 दोनों के सिलेबस को टच करती है। देखो क्या है, कक्षा 8वीं में अध्याय 7 में ये वाला पार्ट है और कक्षा 7वीं में अध्याय 14 में। तो यदि आप कक्षा 7वीं में हैं तो इसको आप अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और कक्षा 8वीं में है तो इसको आप दोबारा पढ़ने वाले हैं, तो ये मज़ेदार है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये पाठ है और पाठ के जो नाम हैं उसी को अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम विचरण की बात करते हैं कि ये विचरण क्या होता है। तो विचरण को यदि सिंपल शब्दों में बोलूँ तो दो राशियों के मध्य क्या होता है, गणितीय संबंध होता है। दो राशियाँ जिनके मध्य गणितीय संबंध हो उनके संगत मानों को विचरण मान कहते हैं। तथा यह गुण विचरण कहलाता है, विचरण कहलाता है। देखो हमने क्या लिखा है, दो राशियां जिनके मध्य गणितीय संबंध हो उनके संगत मानों को विचरण मान कहते हैं तथा यह गुण विचरण कहलाता है। अब इसको क्या करते हैं, अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमारे पास दो राशियां हैं एक्स और वाई, ठीक है। एक्स, देखो ध्यान दो, यदि हम दो राशियां लें जैसे कि एक्स और वाई, और यहाँ पर वाई क्या हो, एक्स से दो अधिक हो, या फिर वाई क्या हो, एक्स से दो कम हो। कहने का मतलब क्या है, वाई और एक्स में एक गणितीय संबंध है, यहाँ पर भी संबंध है। देखिए जब यहाँ पर प्लस और माइनस वाला जैसे रिलेशन हो, जैसे कि एक्स में कुछ संख्या को जोड़ रहे हो तो आपको y मिल रहा है, यहाँ पर x में कुछ संख्या को घटा रहे हो तो आपको y मिल रहा है ना। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं उसको हम रैखिक विचरण कहते हैं। अब देखो इसमें जो विचरण मान है वो कैसे प्राप्त होंगे, उसको ध्यान दो। जब x का मान 1 रखेंगे ना तो यहाँ पर y का मान कितना मिलेगा, देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 धन 2 मतलब कितना, आपको 3 मिल जाएगा। यदि x का मान 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, y बराबर 4 मिल जाएगा। देखो 2 और ये 2 जुड़ गए, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको संगत विचरण मान मिलेंगे, जैसे एक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान आपको क्या मिलेगा, -1। यदि एक्स का मान 2 रखोगे तो वाई का मान क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके का आपको क्या मिलता है, एक विचरण मान मिलता है। यदि हम इन विचरण मानों को क्या करें, एक ग्राफ के द्वारा दर्शाएं इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या ले लेता हूँ, मैं एक्स को ले लेता हूँ, इसमें वाई को ले लेता हूँ, ये आपका 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है, ठीक है। वाई का मान तो यहाँ पर क्या दिया है, जब एक्स का मान 1 है तो वाई का मान कितना है, 3 है ना। तो एक्स का मान 1 तो वाई का मान कितना मिल रहा है, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आपको एक तरह से एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब एक्स का मान 2 है तो वाई का मान कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसे मिल जाएगा, इस तरीके का। तो देखिए यदि हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं ना तो आपको एक क्या मिलेगा, सरल रेखा मिलता है, समझ आ रहा है। इसको रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सरल रेखा मिलता है, इसलिए इस प्रकार के जो विचरण होते हैं ना उसको रैखिक विचरण कहते हैं। याद रखना कि यदि एक राशि दूसरे राशि से कुछ अधिक हो, जिसमें आपका प्लस करके अधिक हो, है ना, या फिर कुछ कम हो मतलब कि माइनस करके कम हो, तब आपको ऐसे विचरण को रैखिक विचरण कहते हैं। अब अपन ये आते हैं कि अनुपातिक विचरण क्या होते हैं। देखो अब हम आते हैं अनुपातिक विचरण के ऊपर। यदि हमारे पास दो राशियां एक्स वाई हो, ठीक है, और उसमें इस प्रकार का संबंध हो कि y जो है कि x में किसी संख्या का गुणा करने से, ठीक है, किसी संख्या का क्या है, गुणा करने से प्राप्त होती है, या फिर y जो है कि x को किसी संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है। तो सिंपल से यहाँ पर समझो कि
हमको क्या मिलता है यहाँ पर, एक अनुपातिक रिलेशन प्राप्त होता है किनके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो इस प्रकार के जो विचरण होते हैं जिनमें क्या हो कि आपको एक राशि दूसरी राशि में कुछ संख्या का गुणा करने से प्राप्त होता है ना, या फिर भाग देने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के जो विचरण होते हैं उसको अनुपातिक विचरण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यदि मैं एक्स का मान, अब ये के क्या है इसको भी समझना जरूरी है। एक के क्या होता है, एक प्रकार का स्थिरांक होता है। क्या होता है ये, स्थिरांक होता है। जैसे कि यहाँ पर अपन लोगों ने क्या लिया था इसको देखो, जैसे यहाँ पर अपन लोगों ने डी ले मतलब दो ले लिया था, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिया था, दो ले लिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो के है, के का मान भी क्या होते हैं, एक स्थिर अंक होते हैं, कुछ भी एक स्थिर अंक हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर पूर्ण संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो यदि मैं के का मान दो लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, के का मान दो लेता हूँ, तो यहाँ पर यदि एक्स का मान वन रखूंगा तो वाई का मान क्या मिलेगा, वाई का मान दो गुणित एक मतलब कि दो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और यदि हम एक्स का मान क्या रखें, दो रखें, तो वाई का मान क्या मिलेगा, दो गुना दो इट मीन्स चार मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर आपको एक संख्या के जो मान है उसकी संगत दूसरा मान मिलता है, लेकिन क्या होता है इसमें हमें एक संबंध मिल रहा है कि हमें जो पहली संख्या उसमें कुछ संख्या का गुणा करने से दूसरी राशि प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, दो में दो का गुणा करोगे तब तो चार मिल रहा है, ठीक है। तो एक्स और वाई क्या है, आपस में गणितीय विचरण में है, और यहाँ पर कौन सा रिलेशन है, अनुपातिक विचरण में है। चलो अपन क्या करते हैं, अनुपातिक विचरण से शुरू करते हैं। देखो अनुपातिक विचरण जो होते हैं ना, वही आपका अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को समझने से पहले अपन को ये समझना होगा कि ये के क्या है, स्थिरांक क्या होता है। तो स्थिरांक क्या होता है, सिंपल सा कोई भी संख्या होता है, जैसे कि दो तीन है ना, या फिर दशमलव वाली संख्या ले सकते हो इस तरीके से, या फिर आप बटा वाला संख्या लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ भी संख्या हो सकती है जो वास्तविक संख्या हो, ठीक है। वास्तविक संख्या मतलब कि इस प्रकार की संख्या। अब जैसे आई है, अब ये तो बड़े कक्षा में है ना, काल्पनिक संख्या वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े कक्षा में, फिलहाल आठवीं कक्षा में आप ये समझो कि आपने जो पढ़ा है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्रमेय, दशमलव, भिन्न, ये कोई भी हो सकते हैं, के का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो के क्या होता है, एक निश्चित संख्या होता है ना। अब अपन शुरू करते हैं यहाँ पर अनुक्रमानुपाती विचरण, ये क्या होता है उसको देखो। यदि हमारे पास दो राशियां हैं, यहाँ पर जो ये एक्स है और ये जो वाई है, ये क्या है आपकी राशियां है, ठीक है। अब ये राशियां क्या होती है इसको समझो। जैसे कि मान लो मैं किसी दुकान में कॉपी खरीदने जाता हूँ, क्या खरीदने जाता हूँ, कॉपियां खरीदने जाता हूँ, तो कॉपी की संख्या एवं कॉपी का मूल्य, तो देखो यहां पर जो ये संख्या है और ये जो मूल्य है, ये क्या होता है, राशियां होती है, ठीक है। यहां पर जो कॉपी की संख्या बोल रहा हूं और कॉपी का जो मूल्य बोल रहा हूं, ये क्या है, राशियां है। मान लो कहीं पर वर्षा होता है, ठीक है, वर्षा होता है, तो जो पानी की मात्रा है, क्या है, पानी की मात्रा और वातावरण का तापमान, तो यहां पर जो पानी की मात्रा है और वातावरण का जो तापमान है जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर संख्या को आप गिन के बता सकते हो, मूल्य को भी आप बता सकते हो, यहाँ पर मात्रा को बता सकते हो, तापमान को बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये जो मात्रा बोल रहे हैं, ये तापमान बोल रहे हैं, ये संख्या बोल रहे हैं, ये मूल्य बोल रहे हैं, यही क्या है, राशियां हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर संख्या और मूल्य आपस में एक रिलेशन में है। जैसे कि आपकी संख्या क्या है, मान लो कॉपी की संख्या एक है, ठीक है, और उसका जो मूल्य है वो क्या है, 10 रुपया है,
तो जब हम संख्या को बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लो मैं 5 कॉपी बोलूंगा, तो इसका जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 10 गुना 5। 10 गुना क्या हो जाएगा, 5। अब समझो कि यहाँ पर ये है मान लो x, 5 क्या है, x है, ठीक है, और मूल्य क्या है, y। समझ आ रहे हैं, मूल्य क्या है, y। देखो संख्या को हमने क्या बोला, संख्या को बोला x, मूल्य को क्या बोला, y, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 5 है वो क्या है आपका, x है, और ये 10 क्या है, जो 10 है यही तो आपका k है, यही आपका स्थिरांक है। कहने का मतलब आपने मूल्य पर यहाँ पर ध्यान दो कि हमको क्या मिल रहा है। यहाँ पर मूल्य को मैं यदि y से डिनोट करता हूँ, ठीक है, और संख्या को मैं किससे डिनोट करता हूँ, x से, तो यहाँ पर ध्यान दो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 10 और 5 का जब आप गुना करते हो, है ना, देखो 10 और 5 का गुना कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। ये 50 किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। यहाँ पर ध्यान दो सिंपल सा, ठीक है, k इंटू x। मैंने ये बोला कि ये क्या है आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, और इसी डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि संख्या को मैंने क्या बोला है, यहाँ पर संख्या को क्या बोला है, एक्स बोला है, और मूल्य को क्या बोला है, वाई बोला है। यहाँ पर एक्स में मतलब कि संख्या में कुछ का गुना करने से अपन को मूल्य मिलता है। तो जब हम संख्या को क्या ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, देखो संख्या को क्या ले रहा हूं मैं, 5 ले रहा हूं। यहां पर संख्या के साथ क्या का गुना हो रहा है, 10 का गुना हो रहा है, तब मेरे को क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो राशि है वाई और एक्स, उसके मान क्या क्या है, 50 और 5, और यहाँ पर जो स्थिरांक है वो क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। स्थिरांक कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, ठीक है। तो ये राशियाँ क्या होती है, आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे मान जिनमें आपस में गणितीय रिलेशन स्थापित कर सकते हो, जिनके वैल्यू है उसमें गणितीय संबंध स्थापित कर सकते हो, उनको हम राशियाँ कहते हैं। समझ आ रहा है, ओके। अब जो है कि हम यहाँ पर जो ये अनुक्रमानुपाती है इसको अच्छे से डिटेल से समझते हैं, और उसके बाद व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है उसको अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जब हम संख्या और मूल्य की बात करते हैं, संख्या को मैंने किससे दिखाया, एक्स से, मूल्य को किससे दर्शा रहा हूँ, वाई से। तो जब मैं संख्या 1 रखता हूँ तो मूल्य कितना है, 10 रुपये है। जब संख्या को मैं 10 रख दूं तब मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 मतलब कि 100 रुपये हो जाएगा। यदि मैं इसकी संख्या को और बढ़ा दूं, जैसे कि 15 कर दूं, तो 10 गुणित 15 कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब हम संख्या को बढ़ाते हैं ना तो मूल्य भी बढ़ रहा है, संख्या को बढ़ा रहे हो तो मूल्य भी बढ़ रहा है। यदि मैं संख्या को कम करता हूँ, जैसे 15 की जगह 10 करता हूँ तो ये 100 हो रहा है, 10 की जगह 1 करता हूँ तो ये 10 हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक राशि को आप बढ़ाते हो तो दूसरी राशि भी बढ़ जाती है, ठीक है। एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान भी, दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है, बढ़ता है, एवं एक राशि का मान कम करने पर दूसरे का मान भी कम होता है, दूसरे का मान भी कम होता है, ठीक है। तो एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक राशि का मान कम करते हो तो दूसरे का भी मान कम होता है। तब इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनुक्रमानुपाती रिलेशन क्या होता है, जब एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ता है, एक राशि का मान कम होता है तो दूसरी राशि का मान भी
कम होता है। कहने का मतलब इनमें सीधा सीधा संबंध होता है। गणित की भाषा में यदि हम बोले तो एक राशि आपको कब प्राप्त होता है, जब आप दूसरे राशि में किसी स्थिर अंक का गुणा करते हो। एक राशि आपको तब प्राप्त होता है जब दूसरी राशि पर किसी स्थिर अंक का गुणा करते हो, तब इस प्रकार के रिलेशन को अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान दो, अनुक्रमानुपाती विचरण, एक राशि में किसी संख्या का गुणा करने पर, अब देखो ये संख्या जो बोल रहे हैं वो क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक का गुणा करने पर, एक राशि में किसी स्थिरांक का गुणा करने पर दूसरा संख्या प्राप्त होता है, ऐसे विचरण को हम अनुक्रमानुपाती विचरण कहते हैं। यहाँ पर यदि दो संख्या है, जैसे कि पहली संख्या आपका x है, दूसरी संख्या y है, तो ये दूसरी संख्या कब प्राप्त हो रही है, जब आप पहली संख्या में के स्थिरांक का गुणा कर रहे हो। ये क्या के क्या है, आपका स्थिरांक है, और स्थिरांक क्या है हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं वाई एक्स का अनुक्रमानुपाती है, वाई एक्स का अनुक्रमानुपाती है, तो इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको अनुक्रमानुपाती विचरण क्या है ये समझ आ गया होगा। अब जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होता है। चलो अब क्या करते हैं, जल्दी से हम ये भी समझ लेते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होता है। देखो क्या होता है, जब हम पहली संख्या में, पहली संख्या को किसी स्थिरांक से, ठीक है, किसी स्थिरांक से भाग देते हैं, क्या करते हैं यहां पर, भाग, गुणा नहीं करते, ठीक है, भाग देते हैं, तथा दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तथा दूसरी संख्या प्राप्त होती है, भाग देने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है, दूसरी संख्या प्राप्त होती है, दूसरी संख्या प्राप्त होती है, तो वहां पर व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है। अब इसको समझिए कैसे, जैसे कि मान लो हमारे पास दो संख्या हैं, जिसमें से पहली संख्या क्या है, एक्स है, और एक्स को हम एक स्थिर अंक के से भाग दे रहे हैं, तब जाके अपन को क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, ठीक है। अब इसको सिंपली समझो कि एक्स है जैसे कि, और के, तो यहां पर अपन क्या करते हैं, y ले लेते हैं, x ले लेते हैं और k ले लेते हैं। अब k का एक स्थिर मान अपन रख लेते हैं 2, क्योंकि ये क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। तो यदि हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का मान क्या मिलेगा, इस रिलेशन के हिसाब से x को क्या करना है, k से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 को जब 2 से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाई का मान 1/2 मिलेगा। जब आप एक्स का मान यदि 2 रखते हो तो 2 से भाग दोगे तो 2/2 मतलब कि आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का रिलेशन प्राप्त होता है कि पहली संख्या को स्थिरांक से जब भाग देते हो तब जाके आपको दूसरी संख्या प्राप्त होती है, और इसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। अब इसको सिंपल अर्थों में समझो कि वर्षा ज्यादा होगी, ठीक है, तो तापमान क्या होगा, तापमान वातावरण का कम हो जाएगा, जितना ज्यादा पानी गिरेगा उतना ज्यादा तापमान कम होगा, जितना कम पानी गिरेगा, ठीक है, जब पानी कम गिरेगा तो तापमान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे कि बाजार में किसी वस्तु का संख्या देखो, यदि मार्केट में टमाटर ज्यादा आ गया, सिंपल सा समझो, टमाटर ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गया, बेचने वाले ज्यादा लोग आ गए, टमाटर पकड़ के आ गए, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ आ रहे हैं। तो एक राशि बढ़ रही है, दूसरी राशि क्या हो रही है, घट रही है, जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि क्या हो जाती है, घटती है। या यदि यहां पर देखो, वर्षा कम होता है तो तापमान ज्यादा होता है, टमाटर कम आता है तो उसका रेट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रिलेशन होते हैं वो आपका क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है। कहने का मतलब एक ज्यादा हो रहा है
तो एक कम हो रहा है। ठीक है, तो होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के अनुक्रमानुपाती विचरण से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।